आप सभी का आज 30 अप्रैल को स्वागत है 2023 में। और पिछले सप्ताह का क्या करंट अफेयर हमारा रहा है, मतलब हमें पता है हम लोग हर बार वीकली करंट एक्सप्रेस के नाम से हर सप्ताह पिछले सप्ताह की टॉप 10 जो घटनाएं होती हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, टॉप 10 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी फिर से आज फिर हमारे पास पिछले सप्ताह की क्या क्या टॉप 10 घटनाएं रही हैं इनके बारे में एक करके वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देर करे मैं फिर से शुरू करता हूं आज का करंट अफेयर, जो कि विभिन्न परीक्षा जितनी भी परीक्षाएं हैं, और देखिए अभी कई सारी परीक्षाएं मैं भी जो अगला एक वीडियो में आने भी वाला है आप लोग अभी आप लोग देख भी लीजिएगा, बहुत लगभग 2 लाख के आसपास भर्ती पिछले साल हो चुकी है अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग विभागों में, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। वहीं अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे इस साल भी ढेर सारी वैकेंसी अलग अलग विभागों की हैं, अलग अलग योग्यताएं उसमें मानी जाएंगी, देखेंगे कौन कौन सी योग्यताएं उसके बारे में वो भी एक बना के हम लोग बता देंगे आप लोगों को, है ना। हालांकि अभी ये जो अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो करंट अफेयर है, ये जो पार्ट है, ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पार्ट, चाहे आप टीचरशिप का एग्ज़ाम दें, अगर रिक्रूटमेंट होता है उसमें तो, है ना, अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम दें, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम दें, चाहे आप महिला बाल विकास का एग्ज़ाम दें, चाहे आप PSC का एग्ज़ाम दें, चाहे SSC का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम की जो आज के समय पे जनरल नॉलेज की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये है, यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर है ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए जो करंट अफेयर के जो मुख्य बिंदु हैं वो ला दिए जाएँ, ताकि क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा विस्तृत है, नेशनल, इंटरनेशनल, फिर स्टेट वाइज भी है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखते हैं इस बार का जो हमारा टॉप 10 करंट रहा है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इवेक्यूट इंडियंस फ्रॉम ट्रबल टॉर्न सूडान। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें ऑपरेशन कावेरी चला है, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन पोलो। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक थीम समझा देता हूँ, थीम क्या समझा देता हूँ, देखिए क्या हुआ सूडान, अगर आप सूडान के बारे में बात करेंगे तो सूडान जो है ना ये अफ्रीका का एक देश है, और अगर आप देखें अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार अगर आप देखोगे ना, तो क्षेत्रफल वाइज यानी कि एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी आप याद रखें, कौन सा है, सूडान, मतलब अफ्रीका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश सूडान है, इस चीज़ को आप याद रखेगा पहली चीज़। यहाँ पे क्या था, एक लंबे समय से सूडान में एक राष्ट्रपति बने हुए थे, और इन राष्ट्रपति का नाम था उमर अल बशीर, क्या नाम था दोस्तों, उमर अल बशीर, ये एक लंबे समय से यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए थे, राष्ट्रपति बने हुए थे लंबे समय से, नए चुनाव नहीं हो रहे थे, नई चीज़ें नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ कि मिलिट्री ने क्या करा, आप वहाँ पे देखिए सेना के 2 पार्ट हैं, और जनरली होते हैं, सब्दूर होते हैं, एक तो सेना यानी कि जिसको आप आर्मी बोलते हो, एक होती है पैरामिलिट्री, क्या होती है दोस्तों, पैरामिलिट्री, है ना, ये अर्धसैनिक बल होता है, पैरामिलिट्री होती है ना, इसको वहाँ पे RSF के नाम से जानते हैं जनरली, RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF के नाम से इसको जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या करा 2019 में, इस भाई को, जो भाई राष्ट्रपति का पद अफ्रीका में नहीं छोड़ रहा था, इस भाई को पद से समाप्त कर दिया, हटा दिया, किसने हटा दिया, सेना और एक अर्धसैनिक बल, कौन सा, पैरामिलिट्री, जिसको क्या बोलते हैं वहां पे RSF, इन लोगों ने मिलके उमर अल बशीर को पद से हटा दिया, ये 2019 की मैं बात आपको बता रहा हूं, 2019 अब राष्ट्रपति को तो हटा दिया, इन्होंने जनता को, लोगों को ये आश्वासन दिया, सेना ने और इन लोगों ने, कि हम वापस से एक चुनाव करवाएंगे, बढ़िया निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, और एक व्यक्ति चुन के आएगा, और वो जो चुन के आएगा वो देश का नया शासक बनेगा, मतलब राष्ट्रपति बनेगा, ये उन्होंने सुझाव दिया इनने। मगर इसी बीच क्या हुआ, इन दोनों ही अंगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, किसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई, कुछ बिंदुओं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे संसाधन, देश में जो रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि नया चुनाव होंगे, नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, तब तक कौन चलाएगा, तब तक किसका अधिकार वहां पे होगा, है ना, तो तब तक के लिए अगर बात की जाए आपसे, तब तक के लिए जो संसाधन है उस पर अधिकार को लेकर इनके बीच लड़ाई छिड़ गई, आपस में लड़ लिए ये लोग, आपस में लड़ाई इनके बीच शुरू हो गई। साथ ही में वहां पे संसाधन के बाद में ये जो पैरामिलिट्री है, चूंकि ये पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल है, ये सेना का पार्ट नहीं है, ये अर्धसैनिक बल है, एक थोड़ा सा अलग से पार्ट, तो इसको इसका एकीकरण करना है। अब एकीकरण करने का मतलब यह है, एकीकरण करने का मतलब यह है कि इसको इंटीग्रेट करना है, किसके साथ मिलाना है, इसको सेना के साथ मिलाना है। अब सेना के साथ मिलाना है, तो यहां पे इस RSF का जो हेड है, उसकी लड़ाई किससे शुरू हो गई, सेना के हेड से, क्योंकि उसका अगर ये देख समझिए, अगर ये पैरामिलिट्री का एकीकरण किसमें कर लिया जाएगा, सेना में, तो RSF का जो हेड है उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो सेना के अंतर्गत आ जाएगा। तो एकीकरण को लेके भी लड़ाई चल रही है। RSF का जो हेड है वो कहता है भैया अभी 10 साल बाद देखेंगे,
पाँच साल दस साल बाद एकीकरण की बात करें, 10 साल का प्रोसीजर रखते हैं, मतलब 10 साल तक कौन शासन करेगा, आरएसएफ पे किसका अधिकार होगा, उसका। आगे कहानी समझ में, यहाँ मिलिट्री करेगी, नहीं नहीं अभी 2 साल के अंदर एकीकरण करते हैं, साल भर के अंदर एकीकरण करते हैं, अभी करते हैं, ताकि ये आरएसएफ भी जब सेना में मिल जाएगी तो सेना का जो मुखिया है वहाँ वो कौन हो जाएगा, पूरा सैनिक, सेना का जितने भी विंग्स हैं, जितने भी पार्ट है उनका मुखिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को लेकर यहाँ पर लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई किसके बीच छिड़ गई इनमें, इस बीच में लड़ाई किसके बीच छिड़ गई, वहाँ पर सेना और पैरा मिलिट्री जो फोर्स है इसके बीच लड़ाई छिड़ गई। अब इस बीच में देखिए, आपको पता है भारतीयों की बात करें या किसी भी देश की बात करें, हर देश के नागरिक जो होते हैं वो दुनिया में हर देशों में रहते हैं, जाते हैं, रोजगार के हिसाब से जाते हैं, नौकरी चाकरी के हिसाब से जाते हैं, व्यापार व्यवसाय के हिसाब से जाते हैं। हमारे यहाँ से भी आप अगर इंडियंस की बात करें सूडान में, तो हमारे यहाँ से लगभग 2800 लोग सूडान में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? अब चूंकि वहाँ पे सेना में ही लड़ाई शुरू हो गई है, सेना के दो पार्ट में ही लड़ाई शुरू हो गई है, गोला बारूद शुरू हो गए, गोलियाँ चलना शुरू हो गई, लाखों हजारों लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य? हमारा ये कर्तव्य है कि ये जो 2800 लोग जो हमारे नागरिक हैं इनको वहाँ से निकालें, एविकेट करें, वहाँ से निकाल के वापस लेके आएँ, तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी। और देखिए, जब भी कोई ऐसा संकट आता है किसी भी देश में, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ, पिछले साल अगर आपको पता हो, पिछले साल में यूक्रेन में संकट आया था दोस्तों, रूस ने, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। अब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, कौन सा चलाया था आपको याद है? ऑपरेशन गंगा। कौन सा चलाया था? यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। अभी कौन सा चलाया? कौन सा? तो ये मैं आपको बताता हूं, ये चलाया ऑपरेशन कावेरी। कौन सा चलाया? वापस से बात कर लेते। अभी सैनिकों, सेना के दो विशेष अंगों में लड़ाई किस देश में चल रही? सूडान अफ्रीका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, ठीक है। सूडान की अगर बात करें तो सूडान की राजधानी याद रखेगा बढ़िया सी, है ना, सूडान की राजधानी खार्तूम। कौन सी है दोस्तों? खार्तूम। ये सूडान की राजधानी आती है, प्रश्न एग्जाम स्टेप के आते हैं तो याद रखिएगा, सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम। सूडान में एक लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा? उमर अल बशीर। ये एक लंबे समय तक राष्ट्रपति रहा। इसको पद से हटाने के बाद में वहाँ के जो ये आर्मी और पैरामिलिट्री है, जिसको आरएसएफ वहाँ पे लोग ये कहते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स कहते हैं, इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई में जो दूसरे देशों के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो फंस गए, या यूँ कहें कि आम जनता जो थी वो पिस गई, ठीक है। इस जनता में दूसरे देशों ने भी ऑपरेशन शुरू किए, हमारा भी अधिकार है कि भाई हमारे लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो उनको भी हम निकालें, और निकालने के लिए हमने क्या शुरू कर दिया? ऑपरेशन। आगे कहानी समझ में दोस्तों, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी हमने शुरू कर दिया, याद रखिएगा। और इसको वैसे भी अगर एक अधिकारी से पूछा था, एक पेपर की कटिंग में मैंने पढ़ा भी था कि कावेरी इसको नाम देने का रीज़न है कि जनरली इसको दक्षिण भारत में कावेरी जो नदी है हमारी, जो आपका कर्नाटका से बहती है, ठीक है, कर्नाटका तमिलनाडु से बहती है मुख्य रूप से, तो ये कावेरी को वहाँ पे कावेरी अम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावेरी अम्मा। अम्मा मतलब माँ, है ना। और माँ की अगर बात करें तो ये है कि भाई अपने बच्चों को जो है सुरक्षित रखना, ये माँ का काम है, है ना, इसीलिए इसको नाम क्या दिया? कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, ताकि ये जो लोग भारतवर्ष के वहाँ रह रहे हैं इनको हम सुरक्षित वहाँ से निकाल सकें, है ना, एविकेट कर सकें, यानी कि निकाल सकें। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत में इस प्रकार से ये काम चल रहा है, वहाँ सूडान में लोगों को, वहाँ के जो हमारे जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो हमने एक तो याद रखिएगा, वहाँ पे जल सेना का एक जहाज हमने पहुँचा रखा है जिसका नाम है INS सुमेधा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, INS सुमेधा हमने पहुँचा रखा है। इसके अलावा वायुसेना के हमारे, ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, वायुसेना के दो हमारे ये जो बड़े जंगी जहाज हैं ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन दोनों से हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन कावेरी के तहत वहाँ पे जो फंसे हुए 2800 नागरिक है भारत के, उनको निकालने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन कावेरी किस देश से लोगों को निकालने के लिए कर रहा है भारत सरकार? सूडान से। सूडान कहाँ, किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम है, याद रखेगा, है ना, खार्तूम है। और जो लीड कर रहा है इस ऑपरेशन को, ये भाई साहब, ये जो लीड कर रहे हैं ये है विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार के, इनका नाम है मुरलीधरन। क्या नाम है दोस्तों? मुरलीधरन। ये विदेश राज्य मंत्री है, इनको इसका नेतृत्व सौंपा है कि भाई इसके तहत आप इनको निकालिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, ऑपरेशन कावेरी को याद रखिएगा, करंट के इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। क्या
इसका मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस। क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस, है ना, भारतीय नौ सेना। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इंडियन नेवल सर्विस। ये INS जो है नौसेना से रिलेटेड है, नौसेना से रिलेटेड है। नौसेना के कोई भी हथियार हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी जहाज हो, हर चीज़ के ऊपर उसके आगे क्या लिखा होता है, हमेशा याद रखिएगा INS लिखा होता है। इसका मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस, ये इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, है ना। फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, यानी कि हु वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। तो देखो दोस्तों, क्या है, किसको किया गया है, ये तो खैर बात की बात है। चलो बताओ कि फिल्म फेयर शुरू कब से हुआ, बताइए। टिपोड़े, ये प्रियश याद रखना भाई, ये लोग जो देख रहे हैं, टिपोड़ा है। इसने एक स्लाइड पहले देख ली थी, वो एक्ट्रेस का फोटो बन रहा है वहाँ पे, इसने टिप लिया, अब चिल्ला रहा टिपोड़े। फिल्म फेयर अवार्ड, अब देखिए बेसिक सी बात करते हैं, ना काटना मत, इसको एडिट मत करना, है ना, ये जाना चाहिए मतलब वीडियो प्रिय, और इसका रील काट के, है ना, और वायरल कर दो, ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म है ना, हद हो गई यार। चलिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, तो देखो दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड की अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी, पहली चीज सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों के लिए अवार्ड मिलता है। सबसे पहली चीज किसके लिए मिलता है, हिंदी फिल्मों के लिए, सबसे पहली चीज को याद रखेगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब मिलता है तो वो फिर किसी भाषा के लिए मिलता है, हिंदी नहीं, फिर उसमें तमिल भी, बांग्ला भी, सब आती। तो अगर बात करें हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म के अगर सेक्टर में, अगर बात करें फिल्म के सेक्टर की बात करें, तो कौन सा मिलता है भारतवर्ष में, फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, पहली बात तो याद रखेगा। दूसरी चीज ये कि इस अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। कब से हुई है दोस्तों, 1954 से फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है ना, जो फिल्म फेयर अवार्ड है ये दिया जा रहा है। एक्चुअली फिल्म फेयर करके एक इंग्लिश मैगजीन थी, उसने इसकी शुरुआत की थी 1954 से, है ना, याद रखेगा, इंग्लिश मैगजीन ने शुरू की थी, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। 1954 से पुरस्कार की शुरुआत हो गई। अब देखो क्या है, कहानी ये है कि कहानी ये जो काली औरत है ना, इस काली औरत को लेके कहानी, मतलब ये जो काली औरत है इसके लिए लड़ाई चल रही है कि ये कौन लेके आएगा इस अवार्ड फंक्शन से। और हाँ, ये जो काली औरत दिख रही है इसको ब्लैक लेडी कहते हैं जनरली, और ब्लैक लेडी तो अंग्रेजी में कहेंगे, आप हिंदी में कहीं कहेंगे वहाँ से काली औरत, तो यह काली औरत को लेकर लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, शिवा चड्ढा और ये आलिया भट्ट, है ना, इन लोगों में लड़ाई चल रही है कि भैया, मतलब लड़ाई इन लोगों में नहीं चल रही, मैंने ऑप्शन में ये रखे हैं, है ना, इनमें से किसी एक को ये पुरस्कार जो है मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2023 का, ना, इस प्रकार के पुरस्कार भी आते हैं एग्जाम्स में। तो ये काली औरत को लेकर लड़ाई चल रही। मैं आपको सही बताऊं कि ऐसा नहीं होता कि जनरली छोटे छोटे जो लोग होते हैं, निम्न मानसिकता के जो लोग होते हैं, या हम जैसे जो लोग होते हैं, हमें टोने टोटके करें नींबू मिर्ची वाले, टोने टोटके जो है ना वो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। और इसका सबूत है ये अवार्ड फंक्शन। क्यों सबूत है कि ये टोने टोटके करते हैं, कि मैं बताऊं आपको, ये जो भाई है ना, ये भाई इसको अवार्ड चाहिए था, इसको अवार्ड चाहिए था, तो ये एक फुसफुसे जो देव है उनके पास पहुंच गए, एक दादा है फुसफुसे देव, उनके पास पहुंच गए, भाई साहब इस बार तो अवार्ड चाहिए ही चाहिए। उनने कहा एक काम करो, अवार्ड चाहिए तो एक टोना टोटका करना पड़ेगा, छोटा सा टोटका, कि क्या, कि वो काली औरत की तरह बन के जाओ। काली औरत की तरह मतलब कैसे बन के जाओ, ब्लैक। इसलिए आलिया भट्ट इस अवार्ड चमक कैसे बन के गई पूरी की पूरी, ये देखो आप, काली औरत बन के इस काली औरत को लेने गई, और फाइनली काली औरत को ले लिया। 2023 फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिल्म फेयर का किसको मिला है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, टोने टोटके करते हैं लोग, ऐसे ही कपड़े पहन के गई। देखो आप, ये काली औरत देख लो और इसको देख लो, सेम, पूरा सेम लिबास। हाँ, इसके हम ये बात कर लेते हैं, फिल्म की बात कर लेते हैं, अच्छा प्रश्न आए। देखिए सबसे अच्छी इसकी एक मूवी थी जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़। कौन सा, गंगूबाई काठियावाड़। इस फिल्म के लिए इसको, हाँ याद रखेगा, ये दोनों प्रश्न आएंगे, मैं आपको हालांकि बताने वाला था। गंगूबाई काठियावाड़, इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला, पहली चीज। दूसरी चीज कि फिल्म फेयर अवार्ड में 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी घोषित की गई, तो वो भी यही घोषित की गई है। दूसरी चीज,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन सी, किस फिल्म के लिए? टोटका सफल हुआ। और मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि वो तो पुरुष वाला मिल जाता है उसको, आलिया भट्ट को, मगर थोड़ा सा टोटका अपने आदमी ने कर लिया, पुरुष ने कर लिया, और वो है ये भाई राजकुमार राव, है ना। राजकुमार राव ने कहा आलिया भट्ट कहां से टोटके कर रही है, अपन भी कर सकते हैं टोटके, तो ये भाई भी इसी काली ड्रेस में गया, देखिए आप काली ड्रेस में जाके ये भी इस काली औरत को लेके आ गया। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन घोषित हुआ? राजकुमार राव। मूवी का नाम है बधाई दो। कौन सी मूवी? बधाई दो, ठीक है। तो देखिए मैं जो कह रहा था आपसे, ऐसा नहीं होता कि हम लोग ही टोने टोटके करते हैं, छोटे मोटे नींबू मिर्ची या है ना दीपक दीपक वाले या वो यूं करके यूं करने वाले है ना, ये लोग भी करते हैं तो टोने टोटके। देखो आप उस काली औरत को लेने के लिए साले काले कपड़ों में गए ये लोग, है ना, और सफल भी हो गए। इसके अलावा देखो नहीं तो ये, इसके अलावा तो सही है ना, ठीक है। तो याद, चलिए वापस से आते हैं मूल बात पे। मूल बात ये, हमारी फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? 54 से हुई। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों के लिए दिया जाता है। इस साल की जो एक्ट्रेस है बेस्ट वो कौन है और बेस्ट एक्टर कौन है? ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया और राजकुमार राव को बधाई दो के लिए दिया गया, ठीक है, याद रखेगा। और इसके अलावा अगर बात किया कि बेस्ट जो फिल्म है वो कौन सी घोषित हुई थी? गंगूबाई काठियावाड़, ठीक है। चलिए, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये, भाई सिडनी कहाँ है, है ना, कहाँ है सिडनी? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट ग्राउंड है सिडनी में, है ना, SCG यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में गेट है, ये गेट, अच्छा गेट दिख रहा है ना आपको, ये कलर यहाँ से, ये वो गेट है जहाँ से जनरली जो नवीनतम जो नए खिलाड़ी होते हैं ना उनका पदार्पण होता है, जो यहाँ से एंट्री मारते हैं नए खिलाड़ी। ये आम लोगों के लिए नहीं है गेट, किन के लिए है ये? नए खिलाड़ियों की एंट्री के लिए। जब नया खिलाड़ी कोई आता है तो यहाँ इस गेट से बात है, ये ओनर एक सम्मान की बात होती है तो यहाँ से बात है। इस गेट का नाम जो है ना वो दो खिलाड़ियों के लिए दिया गया, दो खिलाड़ियों में एक तो हमारा है खिलाड़ी और एक जो है कहीं और का है, ठीक है। तो मैं आपको पहले उसका बताता हूं, तो उस खिलाड़ी का नाम है ब्रायन लारा। क्या नाम है दोस्तों? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर, किसके नाम पे रखा गया है इस गेट का नाम? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, याद रखेगा। तो भारत के किस खिलाड़ी के नाम पे गेट का नाम रखा गया है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है दोस्तों। तो इस पूरे गेट का नाम क्या है? ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर गेट, ठीक है। किस क्रिकेट ग्राउंड में बनाया गया है ये? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बनाया गया है ना। सिडनी से सचिन का कहना है कि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। देखिए सचिन तेंदुलकर अभी 50 साल के 50 वर्ष के हो गए इस वर्ष, इसलिए भी इनको सम्मान दिया गया। बाकी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इस ग्राउंड में नाबाद जो है 241 का स्कोर इन्होंने बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। ब्रायन लारा ने पहला जो अपना शतक है, फर्स्ट जो सेंचुरी है वो इसी ग्राउंड में मारी थी। ऐसे कहीं भी इस ग्राउंड से रिलेटेड इनके कई सारे याददाश्त मेमोरी है, तो वहां के जो क्रिकेट के जो लोग हैं, ये लोग जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के जो जिनके आधिपत्य में ये क्षेत्र है, ये एरिया है, उन्होंने इसको सम्मान के रूप में ब्रायन लारा को और सचिन तेंदुलकर को ये ऑनर दिया है, सम्मान दिया है, ठीक है दोस्तों। तो सिडनी पहली बात तो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत के किस खिलाड़ी के नाम पर गेट रखा गया है और एक और उनके साथ कौन सा खिलाड़ी? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा किस देश के हैं अगर मैं पूछूं आपसे, मतलब किस क्रिकेट टीम के हैं? वेस्ट इंडीज। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज, है ना, सामान्य तौर पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में। तो देखिए आपको पता है, मैं आपको हालांकि जो अपनी जनरल नॉलेज वाली क्लास है जीकर उसमें जब भी हमारा पॉलिटी चल रहा है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? 40 आर्टिकल 40 बोलता है कि राज्य पंचायतों का गठन क्या करेगा? पंचायतों का गठन करेगा। ये पंचायतों का जो गठन है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, किस किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायतों का गठन किया जा सकता है। भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कब हुआ था ये? 1993 कब हुआ था? 1993 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारत में क्या लागू किया भारत सरकार ने?
पंचायती राज सिस्टम क्या लागू किया, पंचायती राज सिस्टम लागू किया, पंचायती राज जो है वो लागू किया। और आपको पता है कितने स्तर का होता है ये भारत में, त्रिस्तरीय, है ना। आपको पता है हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत बोलते हैं, जनपद पंचायत बोलते हैं और जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है ये किस संशोधन के द्वारा आया, भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया 1993। इसको लागू किया गया था कब, लागू किया गया था इसको 24 अप्रैल, कब किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, कब लागू किया गया था। तो ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण हो गई 24 अप्रैल, है ना। 24 अप्रैल 1993 को भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन को लागू किया, जिससे भारत में स्थानीय स्वशासन जो है, खासकर गांवों की बात करें और रूरल एरियों की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पे पंचायती राज सिस्टम का गठन हो गया भारत में, त्रिस्तरीय पंचायतें बनना शुरू हो गई। तो इसकी शुरुआत हुई 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है, ये तो हो गई बात। अब बात करें इस डे की, अब यहाँ तो एक बात क्लियर है, एक प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या लागू हुआ था, कब हुआ था 1993, किस संशोधन के द्वारा, और भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का गठन है, अनुच्छेद 40 में, आपको पता है ना, ठीक है दोस्तों। चल, पर ये जो दिवस है ना कब से मनाया जाने लगा, तो ये 1993 से मनाया जाने नहीं लगा है, है ना, नहीं लगा है, वो 1993 नहीं लगा है, ये मनाया जाने लगा है 2010 से। कब से मनाना शुरू है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की, 2010 से शुरू हुआ है, पहला दिवस 2010 में मनाया गया था 24 अप्रैल को। आ गई कहानी समझ में, तो पहला 2000, ये सारे फैक्ट याद रखेगा, पहला 2010 में मनाया गया था, 24 अप्रैल को मनाया गया, क्यों मनाया गया, क्योंकि ये लागू हुआ था इस टाइम पे, ये पूरी कहानी हुई थी, और यहाँ से हमारा पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। आ गई कहानी दोस्तों, सब समझे पूरी। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और कब से मनाया जा रहा है, 2010 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है ये कि किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, है ना, प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ये काफ़ी अच्छा है, है ना। लगभग राज्य की जितनी पंचायतें हैं उनमें हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देख पाएंगे, ये फोटो तो शायद इमेज सही से नहीं आई, मगर ये इन भाई साहब को अगर आप पहचाने तो ये कौन है, कौन है ये, ये है पिनराई विजयन, कौन है भैया, और ये कहाँ के सीएम हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं केरल के मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने राज्य में केरल में वन विलेज वन ग्राउंड, यानी कि एक पंचायत एक ग्राउंड योजना को लागू किया। आ गई कहानी समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें केरल सरकार ने एक देश से सहयोग लिया है, और वो सहयोग लिया है जर्मनी सरकार से। किससे सहयोग लिया है, तो या पूरी जानकारी को याद रखिएगा, है ना। वन नेशन वन विलेज या वन पंचायत वन ग्राउंड योजना किस राज्य में लागू हुई है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ साथ किस देश से सहयोग लिया है केरल राज्य ने, केरल सरकार ने जर्मनी सरकार से सहयोग लिया है ना। और लगभग 1100 करोड़ के आसपास की ये परियोजना है, लगभग मैं बोल रहा हूँ आपसे, अप्रोक्स 1100 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा ये परियोजना है इनकी, इसमें इन्होंने काम किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा, केरल सरकार वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, और दादा और अपने यहाँ का ये अनुसेवित को सरपंच और सर अनसे सरकार से हमारे आप कहीं को ग्राउंड ग्राउंड बनाओ, कहीं डामर वो कहीं बोले कीचड़ भर रखे हमारा गांव और में, है क्या नहीं, तो ये भी है याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला जाएगा। आईपीएल आपको पता है चल रहा है अभी भारतवर्ष में, और पिछले संडे शायद हमने आईपीएल के बारे में तमाम बातें भी डिटेल से की थी, पूरी करंट की बात हमने की थी कि कब कौन सा खिलाड़ी कौन से कितने में खरीदा गया, तमाम चीज़ें उस पर हमने की भी है। तो आईपीएल चल रहा है भारतवर्ष में 2023 का फाइनल मैच, है ना, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो याद रखिएगा फाइनल मैच कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 28 मई को, कब हो रहा है 28 मई 2023 को फाइनल मैच खेला जाएगा आईपीएल का, ठीक है। अब खेला किस खिलाड़ी किस स्टेडियम में जाएगा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टेडियम को अगर आप थोड़ा बहुत पहचाने, पहले कर चुके हैं इसको, तो अगर आप थोड़ा बहुत पहचाने कि ये कौन सा स्टेडियम है, तो आप ये देखेंगे कि ये स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, किस हिसाब से, बैठक क्षमता, किस हिसाब से, और इसके ऊपर भी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों पिछले संडे अगर आपको याद हो तो, है ना, करंट में हमने पिछली बार बात भी की है। बैठक क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे है, अहमदाबाद। मैंने आपको बताया था सिटिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे, 1,32,000, कितनी
1,32,000 पब्लिक यहाँ बैठ सकती है। ये इसकी इसकी ताकत है, सिटिंग कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, है ना। अहमदाबाद में है ये, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम चेंज किया गया था, मैंने आपको बताया था, है ना, नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया था। तो याद रखिएगा, IPL 2023 का अंतिम मैच किस दिन खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा और कहाँ खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये खेला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी बैठक, और याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्या जो फैक्ट है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम किस हिसाब से, 1,32,000 के आसपास यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, याद रखिएगा, बड़ा स्टेडियम है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रकाश सिंह बादल, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, है ना, ये एक बड़ी राजनीतिक हस्ती रही है भारतवर्ष की। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? प्रकाश सिंह बादल पास जब ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, है ना, कहाँ के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल? तो सिंह से याद रखेगा जनरली, है ना, कहाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों? पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और याद रखिएगा लगभग लगभग क्या सॉरी 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 5 बार, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। कौन? प्रकाश सिंह बादल। अभी 2007 से 2017 तक मुख्यमंत्री यही थे, है ना, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और अभी इनका निधन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्या गजब का काम है, देखो आप, ठीक है, क्या गजब का काम है। गजब का काम से मतलब ये है कि हम लोग बैलगाड़ी से ही नहीं उठ पा रहे अभी तक, हैं? सही है नहीं, हम पोटे फेंकने से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी चकड़ाई सही नहीं चल रही है ना। कल वो अपन जो टूर गए थे तो मैडम कह रही थी वो तूफान देख के उल्टी ऐसा मन हो रहा था, बेटे कहां से, इनकी स्थितियां सही नहीं हो रही अपने आप। इनने मेट्रो मेट्रो जो रेल का जो मेट्रो ट्रेन आपने सुना होगा, मेट्रो ट्रेन की जो थीम है, मेट्रो ट्रेन जो है उसको पानी में दौड़ा दिया। वाटर मेट्रो सेवा, देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहां पे? केरल। कौन से देश, कौन से राज्य में? भारत के केरल। वाटर मेट्रो कोची जो है केरल में, बंदरगाह है आपने सुना होगा बड़ा सा, इसके आसपास 10 द्वीप हैं, और याद रखिएगा द्वीप ही हैं, है ना, आइलैंड ही है इस पूरे केरला में, अगर आप देखेंगे 10 द्वीप। इन 10 द्वीपों में कनेक्टिविटी देने के लिए आपस में कौन सी सेवा शुरू कर दी? और आपको बता, मेट्रो सेवा की हमने बात की, मेट्रो रेल चलती भी ऐसे एरिया में, ऐसे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, तो भूमिगत जो है ना, नीचे से ज़मीन के नीचे से निकाल जाती है, ताकि जहाँ 2-2 किलोमीटर के सफ़र तय करने में 2-2, 4-4, 10-10 घंटे लग जाते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, उन नगरों में 2-2, 5-5 किलोमीटर में इतना जाम लगता है कि आदमी 10 घंटे 4 घंटे तक फंसा रहता है। तो हमने क्या करा, भूमिगत ट्रेनें चला दी, जिनको हमने मेट्रो नाम दिया। इन्होंने क्या करा, उन 10 द्वीपों के बीच, ऐसे आसपास के जो 10 द्वीप हैं छोटे छोटे, जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर हैं, इन द्वीपों के बीच कौन सी सेवा चला दी है निरंतर? वाटर मेट्रो सर्विस चला दी जो, और ऐसा नहीं एक, कई सारी 2-4, 10 लेन इस टाइप की चलाई, इधर से एक जाएगी, उधर से एक आएगी, इधर से एक जाएगी, स्टेप्स। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इन्होंने लागू कर दिया है, और ये भारत का सबसे पहली मेट्रो सेवा है जो कहाँ चल रही है, तो ये एक तरह से पानी का जहाज है, शिप है ना, छोटा सा, याद रखेगा, ठीक है। तो केरल में, केरल का मुख्यमंत्री कौन है अभी हुआ था बात, किस कौन है? पिनराई विजयन, अभी हमने बात की थी, पिनराई विजयन। और ये वाली स्कीम भी तो इन्होंने लागू की है जिसकी हमने बात की थी, कहाँ, ये वाली है ना, 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड। अब बताओ केरल कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमें तो खुशी आलिया भट्ट पे आई थी, आलिया भट्ट का फोटो देख के खुश हुई, वो देखो चोरक चेहरा खिल गया, अबे आलिया भट्ट का चेहरा खुशी आ रहा है, इन्हें देख कहीं कर रहे हैं ये लोग, हैं? आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? किसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कलर है ना, चलिए क्लियर कर दे। देखिए रतन टाटा आपको पता है, टाटा ग्रुप देश का बहुत बड़ा ग्रुप है, है ना, और बहुत सारी कंपनियां इनके अंडर, लगभग 60 से ज़्यादा कंपनियां दोस्तों इसके अंडर, 60 से ज़्यादा कंपनियां टाटा ग्रुप में आती हैं, है ना। टाटा से सिर्फ आप, है ना, कार ही मत समझना, टाटा का नमक भी आता है, ढेर सारी चीज़ें आती हैं इनकी, है ना। टाटा ग्रुप, ये इसके मानद चेयरमैन हैं रतन टाटा जी। इनको जिस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है नागरिक, वो है ऑस्ट्रेलिया। किसने दिया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित हुए हैं कौन?
रतन टाटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया है। कौन सा सम्मान दिया भैया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसको दिया है? रतन टाटा। हमारे यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, हम आपको बताया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? मगर भारत रत्न के लिए भी हमारे यहाँ पे तीन स्टेप, चार स्टेप एक्स्ट्रा हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। तो याद रखिएगा इनको पद्म विभूषण मिला है, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है हाल ही में? रतन टाटा को मिला है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट है ये हमारा इस सप्ताह का आखिरी करंट का बिंदु है। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, आप अगर इंदौर भोपाल या बड़े महानगरों में अगर आप गए होंगे तो एफएम चलता है बढ़िया गाड़ियों में, है ना, एफएम ही चलता है और कुछ नहीं चलता है एफएम। और आप एक चीज़ भी देखोगे कि वो एफएम वाले जो होते हैं, क्या तो आवाज़ होती है उनकी, वॉइस कितनी गजब की होती है ना, शानदार वॉइस उन लोगों की होती है ना। और जैसे वो एक आपने सुना होगा, जैसे वो एक हमारा भाई मुर्गा बनाता ही रहता है, आरजे नावेद, है ना, नावेद ही है, ठीक है, आरजे नावेद वो बनाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक वो हुआ था, वो ताल मूवी वाला कौन फेमस हुआ था, वो उसकी स्माइली बड़ी फेमस हो गई है ना, तो ऐसे नहीं सुना आप लोगों ने, सुना होगा, चलो छोड़ो। इनने बोला कि ये जो एफएम का जो कल्चर है ना, रेडियो का जो कल्चर है, ये देश के और भी हिस्सों में जाना चाहिए, और भी जगहों पे जाना चाहिए, सीमित नहीं रहना चाहिए। तो मोदी जी ने अभी एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया, मतलब उन क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ ये लागू हुआ है, जितने जगहों पे लागू हुए हैं उन जिलों में भी, उन जगहों पे भी ये लागू हो गए हैं, वहाँ पे भी एफएम बढ़िया चलेगा। और ये इन्होंने कितने किए हैं? 91। हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का क्या है कि 91 पूरे देश भर में लागू किए, है ना, मतलब पूरे देश भर में इनका एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है ना। हमारे यहाँ पे ये है, हमारे लिए काम का ये है कि मध्य प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूँ, एमपी की अगर बात करूँ, तो एमपी के भी तीन जिलों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन हुआ है। इन 91 में कितने शामिल है मध्य प्रदेश के? कौन कौन से तीन हैं? तो एक है भैया कटनी, कौन सा है? एक है दमोह, कौन सा है? और तीसरा है बड़वानी, कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के किन तीन जिलों में ये एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हुए हैं? कटनी, दमोह और बड़वानी। और पूरे भारतवर्ष में 91, पूरे भारतवर्ष में 91, है ना, एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। मतलब रेडियो कनेक्टिविटी से, रेडियो चलते हैं, एफएम जो चलते हैं उनसे जोड़ा जाएगा पूरे भारतवर्ष में, और ज़्यादा कनेक्टिविटी दी जाएगी और काफ़ी अच्छे चलते भी हैं। तो पीएम मोदी ने ये किया है। तो दोस्तों ये था हमारा पिछले सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर। मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आया होगा, है ना, और मज़ा आने के साथ साथ ही याद भी सारे के सारे बिंदु हो गए होंगे। ठीक, मिलते हैं।